नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मामला जीतमल कोतवाली क्षेत्र के चपटा गांव का है। यहां के निवासी राम कुमार के साथ चार पहले कानपुर देहात के निवासी दिनेश शर्मा ने अपनी बहन संगीता की शादी की थी। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलने के बाद ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग करना शुरू कर दिया। उसका पति जेठ जेठानी व बहनोई उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। वह लोग शादी के चार साल बाद भी उसे प्रताड़ित करते रहते थे। ससुराल वालों के इस रवैये की पीड़िता ने कई बार शिकायत करी, अपने भाई से करी थी कि जिसके बाद वह पुलिस लेकर पहुंचा और समझौते भी करवाए थे। मायके वालों को लगा कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी बीच संगीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। हालांकि ससुराल वाले इसे लगातार मारते पीटते रहते थे और उसको परेशान करते रहते थे। इसी बीच अचानक मंगलवार की रात करीब 12 बजे संगीता के भाई के पास किसी का फ़ोन आया और उसने बताया कि उसकी बहन को मारकर जला दिया गया है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। दिनेश और उसका परिवार संगीता के घर पहुंचा तो वहां ताला लगा हुआ था। गांव में किसी ने बताया कि लाश को बगीचे में जलाया गया है, जिसके बाद वह सभी वहां पहुंचे, देखा कि लाश जल चुकी थी, केवल अस्थियां ही बची थी। इसकी जानकारी उन्होंने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर संगीता की अस्थियां लेकर जांच के लिए भेजी गई हैं। मायके पक्ष के लोगों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में टीम लगा दी गई है।